हैगाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो WCG3 में माई करियर मोड का एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था गाइज़ विदर्भ के साथ मैच था और उस मैच को हमने जीत लिया था और मेरे को जो मैन ऑफ द मैच भी मैंने लिया था। और इस मैच में देखते गए आज जो है खेला जा रहा है गाइज़ तमिलनाडु लाइट्स वर्सेस बंगाल थंडर्स के साथ मैच है, तो मज़ा आएगा गाइज़। रीजनल ब्लेड्स खेल रहा हूँ गाइज़, और इस टूर्नामेंट में अगर एक भी मैच हारा तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, इसीलिए संभल के खेलना पड़ेगा। देख के तो देखते हैं कि टॉस कौन जीता है भाई। टॉस अगर जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी करेंगे और बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे और इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू कर देते हैं भाई मैच। तो यहाँ पर गए पहले टॉस हमने जीत लिया, पहले बल्लेबाजी करेंगे और देखते गए क्या होता है। आप सब जो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। और यहाँ पर गए मैच शुरू हो गया है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पर गए आदित्य के साथ में आ गया है शुरू करने के लिए मैच। तो मेरा जो है स्ट्राइक रेट काफ़ी शानदार है और देखते गए यहाँ पर किस तरह से खेलते गए। यहाँ पर मैं स्ट्राइक पर हूँ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और देखते गए क्या होता है। यहाँ पर पहला गेंद का सामना कर रहा हूँ, तो फ्लिक करते हुए पहला गेंद पर फाइनल की तरफ एक रन भाई सिंगल के साथ खाता खोल लिया अपना। और अभी देखते गए मैं ऑटो प्ले करूँगा और मैं स्ट्राइक पर आना चाहूँगा, ठीक है, स्ट्राइक में मैं आना चाहूँगा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, किस तरह से खेलते हैं गाइस यहाँ पर। तो नेक्स्ट बॉल गाइस यहाँ पर इस ओवर की चौथी गेंद स्ट्राइक पे मैं हूँ और लॉफ्टेड शॉट खेला है यार। यहाँ पर मिल जाएगा बाउंड्री, एक टप्पा गेंद गई सीमा पर, मिलेगा चार। तो देखते गाइस अभी नेक्स्ट बॉल पर क्या होता है भाई, छक्का मारने का पीछे छक्का चौका मारना पड़ेगा यार, छक्का चौका मारना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करूँगा मैं। नेक्स्ट बॉल यहाँ पर फ्लिक कर रहा हूँ फाइनल की तरफ, यहाँ पर मिलेगा सिर्फ एक रन भाई। दो रन के लिए मैं तो भाई लॉफ्ट करना चाहिए था यार, अच्छा रहता। तो यहाँ पर गए जी एक रन मिल जाएगा। नेक्स्ट बॉल गए जी यहाँ पर ऑटो प्ले कर रहा हूँ मैं, तो मुझे देखते गए क्या होता है यार। दो ओवर खत्म हो गए, 14 रन सिर्फ बनाए हमने, हमारा टीम ने थोड़ा सा और तेज़ गति के साथ रन बनाना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। तो देखते गए यहाँ पर मैं स्ट्राइक पर आ गया हूँ और अभी भी 3 ओवर बाकी है। तो देखते गए जहाँ पर इस बॉल में लॉफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो लॉफ्टेड शॉट खेला है और ये देखो बाउंड्री 6 रन के लिए भाई, बहुत ही बढ़िया शॉट। एक नहीं दो नहीं पूरे 6 रन आ जाएंगे और इसी तरह से खेलना पड़ेगा भाई अगर जीतना है तो। तो दो ओवर में भाई अभी तक 2.1 ओवर में 20 रन हो गए, फिर से लॉफ्ट कर रहा हूँ मैं। देखते गए 6 भाई, ये भी 6 है, यस, दो लगातार छक्के लगाते हुए गई शानदार बल्लेबाजी। और इसी तरह से खेलना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है तो भाई, छक्का चौका तो मारना ही है। तो 26 रन हो गया भाई 2.2 ओवर में, एक और लॉफ्ट करना है, फिर से लॉफ्ट कर रहा हूँ स्क्वायर लेग की तरफ, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ उठा के मारा, अरे यार कनेक्ट ही नहीं कर पाया बल्ले पे और सीधा स्टंप पे जाके लगी गेंद और इसी के साथ आउट भाई। बोल्ड कर दिया यार, मैंने अभी तक बोल्ड नहीं हुआ है यार, अभी तक मैं बोल्ड नहीं हुआ था, लेकिन इस मैच में इस पहला मतलब पहला मैच में ऐसा हुआ कि मैं बोल्ड आउट हो गया, नहीं तो मैं ज़्यादातर कैच आउट हुआ हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, रिप्ले देखते गए यहाँ पर, रिप्ले में अगर आप देखते हो गाइस, देखो भाई मैं फ्लिक कर रहा था, बल्ले पे कनेक्ट नहीं हो पाया और सीधा जाके स्टंप पे लेगी, लेग स्टंप पे जाके लेगी और सिर्फ मैं 18 रन बना पाया। चलो भाई कोई बात नहीं, ऑटो प्ले करते गए जब, ऑटो प्ले कर दिया भाई मैंने और देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी जो है गेंदबाजी करेंगे भाई, गेंदबाजी तो टारगेट हमने कितना दिया यार, तो मैं बॉलिंग करने के लिए आ गया गाइस। ज़्यादा मैं अभी तक विकेट वगैरह नहीं लिया है ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हो 32 रन का टारगेट है भाई, मुश्किल है इस मैच को जीतना, ऐसा लग रहा है भाई इस मैच तो हार सकते हैं हम लोग। पहला गेंद पर छक्का पड़ गया भाई सामने की तरफ, भाई क्या गेंदबाजी करूं, ख़राब गेंद, और ये 6 रन भाई, एक नहीं दो नहीं पूरे 6 रन लगाते हो भाई। पहला गेंद पर अगर छक्का मार देंगे, टारगेट भी ज़्यादा है नहीं, अभी सिर्फ 32 रन का टारगेट है, 5 ओवर में 32 रन आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर अच्छे से गेंदबाजी किया तो शायद कुछ मौका बनेगा, जीत भी सकते हैं। नेक्स्ट बॉल कोई रन नहीं, सीधा फील्डर के पास गेंद गई। चलो देखते गाइस नेक्स्ट बॉल भाई, विकेट चाहिए भाई, विकेट अगर चटकाएंगे तो शायद मौका बनेगा। 32 रन बना पाए बस यार, टारगेट 32 रन का है और अभी भी देख सकते हो भाई 27 गेंद पे 26 रन, 26 रन की जरूरत है 27 बॉल पे। तो मैंने अब तक भाई पहले गेंद पे छक्का दिया था, उसके बाद वापसी किया है, 3 लगातार डॉट गेंद निकाले गाइस और बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहा हूँ। पहले गेंद पे जरूर छक्का पड़ गया था, तो देखते गाइस अभी भी 2 गेंद बाकी है, विकेट वगैरह अगर छटकाता हूँ तो बढ़िया होगा यार। एक और डॉट बॉल भाई, देखते गए जब भी लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद है और एक विकेट यहाँ पर मिलता है तो मज़ा आ जाएगा भाई। फुल डॉस बॉल है और आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ उठा के मारा है और ये 6 रन भाई। पहला गेंद पर छक्का मारा था, आखिरी गेंद पर भी छक्का मारा और ये 9 बॉल, अबे 9 बॉल हो गया सेट यार। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, 9 बॉल नहीं डालना चाहिए था यार,
अबे यार बहुत ज़्यादा महंगा, 9 बॉल के लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पाए, फ्लिक किया था सीधा फील्डर के पास, गेंद गई। चलो देखते गए, जब ऑटो प्ले कर रहा हूँ गाइस, अभी ज़्यादा रन है नहीं, इस मैच को जीत सकते या नहीं पता नहीं, अभी देखते गए ऑटो प्ले करने के बाद मालूम पड़ेगा। ऑटो प्ले मैंने कर रहा हूँ मैं ऑटो प्ले, और यार अरे यार हार गए मैच भाई, टूर्नामेंट से गाइस बाहर हो गए हम लोग, टूर्नामेंट से बाहर है, और देखते गए क्या होता है यार। अच्छा बल्लेबाजी करना चाहिए था यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे से अगर खेलते तो भाई मौका बना था, लेकिन मेरे को आउट नहीं होना चाहिए था, अच्छे से अगर खेलता तो जरूर भाई इस मैच को जीत पाता, लेकिन मेरा मेरा बल्ले पे स्कोर नहीं बना, इसकी वजह से इस मैच को हार गए और टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए, आप देख सकते हो डिस्क्वालीफाइड हो गए। और अब जो नेक्स्ट जो इंडियन रीजनल T20 मैच खेला जाएगा गाइस, T20 मैच खेलूंगा नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप सबके लिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करो।